नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर के समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लोकमणि कांत जादौन एवं वरिष्ठ नेता शिव कुमार यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष ने जिला पंचायत के चुनाव हेतु अपने समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें वार्ड संख्या 10 से दलबीर सिंह और वार्ड संख्या 11 से बलबीर सिंह, वहीं वार्ड संख्या 17 से वैशाली और वार्ड संख्या 29 से बादल कुमार तथा वार्ड संख्या 33 से यशोदा देवी को समर्थित प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी मथुरा की चयन समिति द्वारा जो हमने चयन समिति बनाई थी प्रत्याशियों को खोजने के लिए, प्रत्याशियों घोषित करने के लिए, उन सभी की सहमति से आज मथुरा समाजवादी पार्टी की चयन समिति ने जिला पंचायत चुनाव के लिए 5 वार्डों के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों की घोषणा की है और ये आपके सम्मुख हम लेके आए हैं। इसको आपसे आशा है कि आप सभी को इस सूची को जन जन तक पहुंचाएं। क्या इसमें पार्टी कहीं गठबंधन के साथ उतरेगी और कितनी सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारा जिला पंचायत चुनाव में किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं है। हम 33 वार्डों पर अपने ढंग पर, समाजवादी पार्टी के ढंग पर ही चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में जिला पंचायत सदस्य निकाल के एक नया इतिहास रचने का कार्य करेगी समाजवादी पार्टी मथुरा।